बैंगलोर से लाए गए रासुका के दो बंदियों को रीवा में आने के बाद जिस तरह से दहशत का माहौल हुआ और लगातार विरोध भी हुआ प्रशासन का, जनप्रतिनिधियों से लेकर आम जनता ने विरोध किया और विरोध के इतने स्वर हुए कि आखिरकार रीवा से भोपाल शिफ्ट करने का प्रशासन ने इन रासुका के बंदियों को निर्णय ले लिया। रीवा में आने के बाद जिस तरह से यहाँ दहशत का माहौल हो गया था और कोरोना के दो मरीज हैं जिन्हें भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती किया जाना है। रीवा से इन्हें सुरक्षित भोपाल ले जाया जा रहा है, उसी का आप देख पा रहे हैं। ये जो सीधे तस्वीरें आपके सामने दिखाई दे रही हैं, ये उन कोरोना के मरीजों की हैं जिन्हें रीवा से भोपाल ले जाया जा रहा है। विजय मैं आपको टोकू में मैं आपको बता दू, इस समय रीवा के लिए सबसे राहत वाली खबर आ रही है। मैं आपको बिल्कुल ये बता दूं, पिछले 48 घंटे में रीवा का माहौल काफी बिगड़ गया था। यहाँ काफी लोग इस तरीके से परेशान थे जैसे लग रहा था कि क्या हो गया कोरोना को। बाहर के इंदौर के पेशेंट जबलपुर से 17 से होते हुए रीवा जब लाए गए तो लोगों को लगा कि ये हम इनके साथ, रीवा के लोगों के साथ अन्याय हुआ, रीवा के लोगों के साथ गलत हुआ। मैं आपको बता दूं, इस समय मैं बेकार पहुंच चुका हूं और रीवा न्यूज रिपोर्ट पूरे में तय किया था इन मरीजों को जो कि रीवा में थोपे गए थे कोरोना के पेशेंट को, पूरे दिन में एक भी मरीज नहीं थे। हमने तय किया था कि हम इनको रीवा की सराहद का पहुंचा के आएंगे, उसी के उस पर मैं लगातार हमारी पूरी टीम इस पर गौर कर रही है। विजय यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है, इस विजुअल को देखने के बाद रीवा के लोग निश्चित रूप से राहत की सांस लेंगे। उनको लगेगा निश्चित रूप से एक ऐसी बीमारी जिसके बचाव के लिए हमने वो सारे एहतियात किए, प्रधानमंत्री की सारी बात का पालन किया, लॉकडाउन रखा, अपने को सैनिटाइज रखा, घर से निकलने का किसी भी तरीके से प्रयास किया। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, जबलपुर के चिरायू अस्पताल से, कैंसर हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस जिसका नंबर MP04BB1C15, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस गाड़ी से इन दोनों पेशेंटों को ले जाना था लेकिन रीवा के डॉक्टरों ने इस गाड़ी को इन पेशेंटों को ले जाने योग्य नहीं माना। रीवा से 108 एक मंगाई गई और रीवा DSP यातायात DSP मनोज वर्मा स्वयं इस काफिले को लेकर रीवा शहर से बाहर की ओर लेके जा रहे हैं। इस समय हम रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गए हैं। इस जिस एम्बुलेंस में ये लोग जा रहे हैं, उस एम्बुलेंस को देखकर रीवा वाले राहत की सांस ले रहे हैं। निश्चित रूप से इस गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं, एक एम्बुलेंस इसके पीछे है, सामने एक जेल की गाड़ी है। लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस बात को देख पा रहे हैं। मैं लगातार अपने दर्शकों को बता रहा हूँ, रीवा वालों को बता रहा हूँ, वो अब राहत की सांस ले सकते हैं, वो निश्चित हो सकते हैं। उनका तमाम तरीके का विरोध जिस तरीके से पिछले 48 घंटे में रीवा के लोगों ने विरोध किया था, उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने। लेकिन रीवा को यह मदद पहुंचाई किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं, रीवा को यह मदद पहुंचाई रीवा के यहाँ के हाईकोर्ट में उनके परिवार के लोगों ने एक मामला दर्ज कराया था। चार के चारों पेशेंट जो इंदौर के थे, बिल्कुल नारायण जी, आगे भी हम आपसे इस बारे में अपडेट जानेंगे। आप इस गाड़ी में जिस तरह से ड्राइव कर रहे हैं और सामने ये पूरा काफिला भी देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से पूरा काफिला है, अभी आपको दिखाई दिए मनोज वर्मा जी जो यहाँ पर इन कोरोना के पेशेंटों को ले जा रही काफिले की हौसला अफजाई की और आगे बढ़ाया। हमारे साथ दिवेश दाहिया जी भी है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये पूरा 24 घंटे रीवा रेड जोन में रहा और चारों तरफ जो बातें आ रही थी खुलकर, आपने क्या कवर किया और क्या यहाँ का माहौल देखने को मिला? यहाँ पे देखा जा रहा है कि रीवा वासी लोग इतने दहशत में थे कि यहाँ की मेडिकल स्टोर भी सेवाएं सब मेडिकल की बंद कर दी गई और यहाँ की जनता काफी परेशान थी, उनको घर से बिल्कुल भी निकलना बंद कर दिया और दहशत रीवा वासी थे। आज कहीं कहीं ना कहीं आज ये जाने के बाद लोग संतुष्ट होकर आराम से घर में रह रहे हैं। बिल्कुल दिनेश जी, जिस तरह से यहाँ पर माहौल निर्मित हो गया था, निश्चित तौर
पर वो काफी संवेदनशील मामला भी हो गया था, क्योंकि यहाँ पूरे दिन की अगर बात करें रीवा और शहडोल संभाग में तो कोई भी कोरोना का पेशेंट नहीं था और ये थोपा गया था। रीवा जो बिंद सफेद शहरों के लिए जाना जाता है वहां पर कभी भी थोपना स्वीकार नहीं हुआ, चाहे अंग्रेजों की हुकूमत रही हो चाहे राजवंश की हुकूमत रही हो, कभी भी कोई मामला थोपा नहीं गया था और उसे कभी यहाँ के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। जावेद जी क्या लगता है? बिल्कुल विजय जी, मैं आपको बता दूं उसका एक ताजा उदाहरण आपके सामने है। एक ऐसा मामला जिसको रीवा वाले किसी भी तरीके से अपने रीवा वाले के कोई भी हिंदुस्तान तक कोई भी दुनिया का कोई भी शहर जिस चीज को नहीं स्वीकारता उसको रीवा वाले कैसे स्वीकारते। रीवा वालों का जो भी जिस तरीके का यहाँ पर बिहेवियर था, जिस तरीके के वो खड़े हुए थे उसको देखते हुए यहाँ के हाईकोर्ट में कुछ उनके परिवार के लोग गए थे। एक राहत की सांस आज रीवा राहत की सांस ले रहा है, निश्चित रूप से माना जा सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पुलिस वाले लगातार अपने पॉइंट पर खड़े हुए हैं, सड़क सुनसान है, निश्चित रूप से हर जगह लॉकडाउन का पालन हुआ और आज ही लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। आज आर्थिक तरीके से लॉकडाउन को बढ़ाया गया और ये आप मान के चलिए लॉकडाउन का पालन हमने किया तो हमारी मदद की सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट हाईकोर्ट ने एक फैसला किया जिस पर उनके परिवार वालों ने कहा था हमारे चारों पेशेंट को एक जगह रखा जाए। हाईकोर्ट ने उनकी बात मानी और यह प्रशासन को निर्देश दिया रीवा से उस पेशेंट को तत्काल बुलाया जाए, जिसका परिणाम अभी आपने देखा ठीक 5 मिनट पहले हमारा काफिला हमारी पूरी टीम इस पेशेंट को रीवा की सरहद से वापस करके लौट रही है। हम लगातार रीवा की गलियों में आपको दिखा रहे हैं, गलियां सन्नाटे में है, सुनसान है, यहाँ पर लॉकडाउन हम रोकेंगे और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे आखिर उन्होंने किस तरीके से यह कदम उठाया और किस तरीके से अपने अपने यहाँ पर पेशेंट को लेके गए। निश्चित रूप से ये बड़ी बात है। मनोज वर्मा जी यहाँ पर रुक चुके हैं, आइए आपको सीधे उनके पास ले चलते हैं और उनसे बात कराते हैं किस तरीके से उन्होंने ये पूरा मामला जो है वो तय किया। हमारे साथ इस समय मौजूद है रीवा के डीएसपी मनोज वर्मा जी, जिन्होंने एक अथक प्रयास किया, लगातार उन मरीजों पर अपनी नजर बना के रखी, उनको पूरी तरीके से रीवा की सरहद के बाहर तक पहुंचाया, उनको पहले क्वारंटाइन किया था, अब बाहर लेते। सर ये बताइए पूरे वाक्य को आप किस नजर से देखते हैं? एक बीमार लोग थे जो एनएसए कैदी थे, तो आदेश अनुसार यहाँ एडमिट हुए थे, अब स्थानीय उच्च न्यायालय के आदेश पर इनको भोपाल रवाना किया गया पूरी सुरक्षा के साथ। सर आपको क्या लगता है इससे रीवा वाले राहत की सांस लेंगे? पूरा पुलिस महकमा स्वास्थ्य विभाग तमाम लोग राहत की सांस लेंगे, जैसे आपने इतने दिन तक मेहनत की लगातार यहाँ एक भी पेशेंट को नहीं आने दिया, यह पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी कामयाबी थी, उसमें इस तरीके को इस पूरे मामले को इन सबसे जोड़ के आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं आप बिल्कुल कोई समस्या नहीं है और बिल्कुल रीवा की जनता से अपील है कि जैसा लॉकडाउन का पालन करना वैसा करते रहें, कोई समस्या कोई भयभीत ना हो और लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में रहें ताकि संक्रमण से बचा जा सके। निश्चित रूप से मानना पड़ेगा जैसा कि मनोज वर्मा जी साफ तौर पर कह रहे हैं रीवा की जनता को अब राहत की सांस लेनी चाहिए, निश्चित रूप से वो उसको रीवा की सरहद के बाहर पहुंचा के अब वो लोग यहां पर नहीं आएंगे, अब रीवा का लोग राहत की सांस ले सकते हैं, अब माना जा सकता है कोरोना रीवा से जा चुका है। न्यूज नेटवर्क टुडे के लिए जावेद अंसारी अपने सहयोगी विजय विश्वकर्मा और दिनेश दाहिया के साथ।